धन्यवाद महोदय। महोदय, दिल्ली के बॉर्डर पे किसान और मजदूरों के कुछ नेता धरना दे रहे हैं और ये खबरें आ रही हैं कि उनके लिए वहाँ पक्के मकान भी बन रहे हैं, बोरवेल भी बन रहे हैं और शायद पंखे कूलर भी लगने वाले हैं। महोदय, दुखद है कि हमारा ध्यान कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उनके साइट पे उनके लिविंग कंडीशंस की ओर नहीं जाता है और वो टीना के शेड में अपनी पूरी ज़िंदगी साइट टू साइट माइग्रेट करते हुए बिता देते हैं। उनके बच्चों का बचपन भी वहीं पे उसी माहौल में बीतता है, ना कोई पढ़ाई की सुविधा, ना मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड की सुविधा। महोदय, हो सकता है कि उसके लिए कुछ कानून भी होंगे लेकिन ये कानून पालन नहीं हो रहे हैं या कानून है ही नहीं। महोदय, पिछले कोरोना के दौरान में बहुत सारी कमियाँ हमारी समाज की उभर के आई थी, उसमें से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का माइग्रेशन का भी एक मुद्दा सामने आया था। यदि उनके लिविंग कंडीशन अच्छी होती, रहने की व्यवस्था अच्छी होती तो शायद वो मजबूर नहीं होते माइग्रेट करने के लिए। महोदय, आज टेक्नोलॉजी ने ये सुविधा दे रखी है कि पोर्टेबल मकान बनते हैं, सस्ते मकान बनते हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि जब वो महलों का निर्माण करते हैं तो उनके लिए दो चार साल के लिए ये छोटी छोटी कुछ व्यवस्थाएं क्यों नहीं हम सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं गरीब और मजदूरों के लिए संवेदनशील सरकार से आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि इस स्थिति में तुरंत सुधार लाया जाए और अविलंब कुछ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।